नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। पड़ोस के बांग्लादेश की खबरें बहुत ही विचलित करने वाली हैं। एक दिन कल का इतवार का दिन ऐसा था, 90 से 100 लोग मारे गए वहां पर एक दिन में। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, खासा मजबूत हो गया है प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, उसमें हिंसा हो रही है। एक थाने के 14 पुलिस वालों को मार डाला गया, एक थाने के 14 पुलिस वालों को। पूरे देश में प्रदर्शन फैल चुका है सरकार के खिलाफ। प्रदर्शन करने वाले एक समय, शुरू करने वाले लोग एक समय छात्र थे वहां के। अब हालत ये हो गई है कि वहां पर उनके माँ बाप, परिवार के दूसरे लोग, सभी पीढ़ियों के लोग इसमें शामिल हो गए हैं। एक दिन में 90-100 लोगों का मरना, कहीं आंकड़ा 93 का है, कहीं 94 का है, कहीं 100 का है। एक कोई वीडियो रिपोर्ट 300 मौतों का एक दिन का बता रही थी, मैं उस पर अभी भरोसा नहीं कर रहा हूं। बांग्लादेश में बहुत भयानक प्रदर्शन महीने भर से चल रहा है, एक महीने से थोड़ा सा ज्यादा वक्त भी हो गया होगा। वहां सरकारी नौकरियों में जो एक आरक्षण है, हिंदुस्तान में भी ये शब्द जो है बहुत विचलित करता है बहुत से लोगों को, सामाजिक व्यवस्था को विचलित करता है। तो बांग्लादेश में एक आरक्षण चले आ रहा था 1971 से, जब से बांग्लादेश बना है। उसमें 1971 के संघर्ष में ये पश्चिम पाकिस्तान, जो कि आज का मौजूदा पाकिस्तान है, और जहां बांग्लादेश है ये पूर्वी पाकिस्तान था। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, दो हिस्सों में बटा हुआ था। हुकूमत पश्चिम पाकिस्तान की चलती थी पूर्वी पाकिस्तान पर, देश एक था। पाकिस्तान में बसी हुई हुकूमत के खिलाफ बांग्लादेश में बगावत हुई थी, बहुत से लोगों को मार डाला गया था। उस समय का जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहां से लाखों लोग हिंदुस्तान में आ गए थे शरण लेने के लिए, इतनी हिंसा हो रही थी। पश्चिमी पाकिस्तान की फौजें आकर अपने ही पूर्वी हिस्से पर इतना जुल्म कर रही थी कि लाखों लोग हिंदुस्तान आ गए थे। मैंने देखा हुआ है बांग्लादेश के उन शरणार्थियों को। 1971 में मैं स्कूल में पढ़ता था, हम सिनेमा देखने जाते थे तो उन शरणार्थियों के लिए एक शरणार्थी टैक्स की टिकट सिनेमा टिकट के ऊपर और लगती थी। हर हिंदुस्तानी ने पैसा दिया था पड़ोस के पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को यहाँ पर बसाने के लिए, मदद करने के लिए, देखभाल के लिए उनकी। बहुत विरोध नहीं हुआ था देश में कोई कि हमारे ऊपर ये बोझ बन रहा है, कोई विरोध नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी को उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान की मदद करने के लिए, हिंदुस्तान की फौज वहाँ भेजने के लिए और उसको पाकिस्तान के काबू से बाहर निकाल कर एक नया देश बनाने के लिए इंदिरा गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी ने भी दुर्गा कहा था। बड़ा नाम हुआ था इंदिरा गांधी का, अमेरिका जैसे जो पाकिस्तान परस्त देश जो थे वो कुछ एड़ा बेड़ा भेज रहे थे, जंग की तैयारी कर रहे थे। इंदिरा गांधी ने किसी की नहीं सुनी, एक नया देश बनाकर खड़ा कर दिया, जो आज पाकिस्तान के मुकाबले बहुत बेहतर हालत में है आर्थिक रूप से। लेकिन 1971 की उस जंग में जो लोग शामिल थे उसमें, फौजी लोग, सैनिक जो शामिल थे, उनके परिवारों को इन 50 सालों से लगातार वहां आरक्षण मिल रहा है सरकारी नौकरियों में। वहां इस बात का बड़ा जमकर विरोध हो रहा है। अभी पिछले कुछ समय से लोग चाहते हैं कि ये आरक्षण खत्म हो। ये जब आंदोलन शुरू हुआ, महीना सवा महीना पहले की बात है, आंदोलन जब शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री शेख हसीना के तेवर बड़े तल्ख थे। उन्होंने आंदोलन तो जिस रफ्तार से चल रहा था उस पर काबू भी पाया जा सकता था, समझौता भी हो सकता था, सब कुछ हो सकता था। शेख हसीना ने एक चूक की, उस चूक से हिंदुस्तान, अमेरिका, सभी जगह के, पूरी दुनिया के नेताओं को एक सबक लेना चाहिए। जो आंदोलन काबू में आ सकता था उसके बारे में शेख हसीना ने एक सार्वजनिक बयान दिया कि जो लोग ये आंदोलन कर रहे हैं वो रजाकार हैं,
रजाकार शब्द बांग्लादेश में गाली की तरह लिया जाता है। ये उनके लिए इस्तेमाल होता है जिन्होंने 71 की लड़ाई में, जब बांग्लादेश का निर्माण चल रहा था, उस वक्त पाकिस्तान का साथ दिया था। एक किस्म से कहें तो हिंदुस्तानी जुबान में गद्दार थे जो लोग बांग्लादेश के, पूर्वी पाकिस्तान के ऐसे लोग जो कि पश्चिमी पाकिस्तान की हुकूमत का साथ दे रहे थे, उनको रजाकार कहा जाता है। शेख हसीना ने कहा जो लोग आंदोलन कर रहे हैं रजाकार हैं। उनके एक शब्द रजाकार, ये एक शब्द इतना भारी पड़ा कि ये आंदोलन जो है ये भड़क उठा, इसकी जो सुलग रहा था उसकी लपटें ऊपर तक उठने लगी, ज्वालामुखी फट गया। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, बहुत खतरनाक हालत है वहाँ पर, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। पूरी गृह युद्ध की नौबत है, सेना को पूरे देश में तैनात कर दिया है, पूरे देश में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, पूरे देश में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, बहुत खराब नौबत है। सरकार ने ये कोटा जो है रिजर्वेशन आरक्षण, इसको कम भी कर दिया है, अधिकतर हिस्सा उसका वापिस ले लिया है। बात निकल गई है, लेकिन अब जो आंदोलन कर रहे हैं लोग वहाँ पे, उन्होंने पड़ोसी देश हिंदुस्तान के सबसे महान आंदोलनकारी जो थे महात्मा गांधी, उनकी तर्ज पर अपने इस आंदोलन का नाम उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन ये वहाँ शुरू किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, हम विनम्रता से आपके आदेश को मानने से इनकार करते हैं, ये गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। आज हिंदुस्तान में गांधी के नाम लेवा ज़्यादा नहीं है, जो गोडसेवादी नहीं है वो चुप हैं, जो गोडसेवादी हैं मुखर हैं गांधी को गालियां देने में, गांधी की तस्वीर पे गोली चलाने में, गोडसे की प्रतिमा बनाकर पूजा करने में। इधर अभी हिंदुस्तान में कोई सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात नहीं करते, बांग्लादेश में हो रही है। मैं हिंदुस्तान में किसी आंदोलन को भड़काने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गांधी के नामलेवा वहाँ पर हैं, उन्होंने शब्द वही इस्तेमाल किया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इतनी सरकारी इमारतें जलाई जा चुकी हैं, 10,000 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जुलाई में 200 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे जा चुके हैं, अभी अगस्त के पहले हफ्ते में, कल इतवार में, इतवार को 90 से 100 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें 14 लोग एक ही थाने के पुलिस वाले थे। मैं एक और अहमियत की बात रखना चाहता हूं यहां पर, बहुत सारे रिटायर्ड फौजियों ने और मौजूदा फौजियों ने भी अपनी फोर्सेस से कहा है, फौज से कहा है कि छात्रों की भीड़ पर कार्रवाई ना करें। शुरुआत में ये हुआ था, रबर बुलेट से लगने से बहुत सारे लोग मारे गए थे, आपको ध्यान होगा, खबरों को अगर आप देख रहे होंगे तो। उनके परिवारों ने कहा हमारा बच्चा निहत्था था, बेरोजगार था, उसके हाथ पैर तोड़ देते अधिक से अधिक, उसकी जान क्यों ली है। भूतपूर्व आर्मी चीफ बांग्लादेश के इकबाल करीब भुइयां ने एक लिखित बयान जारी करके कहा है, यह जरूरी है कि सशस्त्र बल तुरंत अपने मिलिट्री कैंपों में लौट जाएं। आपने सुना है कभी, मिलिट्री का एक रिटायर्ड जनरल, छोटा मोटा अफसर नहीं है, उसने कहा है, बयान जारी किया है, लिखित बयान, कोई फर्जी नहीं है, ये कोई फेक न्यूज नहीं है। उसने कहा है कि देशभक्त सुरक्षा बलों को छात्रों की भीड़ से नहीं भिड़ना चाहिए। उन्होंने मिलिट्री से कहा है जो सम्मान, इज्जत और गरिमा अर्जित की गई है उसकी परीक्षा का ये समय है, जनता का साथ देने के लिए कहा है। आर्मी चीफ रह चुका है जो वहाँ पर, इकबाल करीब भुइयां, मैं उनकी बात बता रहा हूँ, इससे आप समझ सकते हैं, आर्मी चीफ को आसानी से कोई गद्दार करार नहीं दे सकता। शेख हसीना भी शायद उनको गद्दार करार, अभी तो गद्दारी शब्द वगैरह भूल गई होंगी, वो मुँह से निकल नहीं रहा होगा, रजाकार, गद्दार, इसलिए कि छात्रों का आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है, नौबत गृह युद्ध की आ चुकी है, मिलिट्री के भीतर बेचैनी है, मिलिट्री के कई मौजूदा अफसरों ने मिलिट्री को कहा है कि किसी के ऊपर गोली मत चलाओ, मारो मत,
एक खतरनाक नौबत है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये मिलिट्री के ऊपर भी पहुंच रहा है। किसी भी देश में किसी आंदोलन को काबू करने के लिए फौज आखिरी जरिया होती है। फौज के बाद थोड़ी कहीं से लेके आ सकते हैं। अफसरों ने ये कहा है कि हम खुद से नहीं लड़ सकते, खुद यानी जनता, फौज अपनी जनता से अपने लोगों से नहीं लड़ सकती। देश को जंग का मैदान नहीं होने बनने दें। और जिनकी बात मैं कह रहा हूँ, पूर्व आर्मी चीफ इकबाल करीब भुइयां, उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र से एक पारदर्शी जांच करवाई जाए। अब आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र से पारदर्शी जांच करवाने की मांग की है उन्होंने। ये छोटी चीज नहीं है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। नौबत इतनी खराब है वहाँ पे कि सरकार के हाथ से आज मिलिट्री भी निकलते दिख रही है। और छात्रों का आंदोलन जो कि आरक्षण के खिलाफ चालू हुआ था, अब आकर कहाँ टिक गया है पता है आपको? ये आंदोलन अब आकर टिक गया है प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे पर। भारत के इतने पड़ोस में इतनी बड़ी हिंसा, ऐसा गृह युद्ध भारत के भी हित में नहीं है। एक अस्थिर पड़ोसी किसी स्थिर पड़ोसी का भी जीना हराम कर सकता है बिना नियत के भी। मैं नहीं कहता कि बांग्लादेश भारत का जीना हराम करना चाहेगा, लेकिन ऐसी नौबत आती है। मैं पहले भी अपने एडिटोरियल में विडिटोरियल में इस बात की वकालत करते रहा हूं कि किसी भी देश को, न महज हिंदुस्तान को, किसी भी देश को, जैसे हिंदुस्तान की बात करें तो उसको बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, किसी भी जगह अस्थिरता नहीं होने देना चाहिए। कुछ लोगों को लग सकता है कि पड़ोस के देश जिनसे अच्छे रिश्ते नहीं है वो अगर अस्थिर हो जाएंगे तो हिंदुस्तान ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ऐसे होता नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म होगा हिंदुस्तान बात किससे करेगा? अफगानिस्तान की तरह आतंकी काबिज हो जाएंगे, क्या उनसे कोई बात हो सकेगी, कोई समझौता हो सकेगा? परमाणु हथियार किन हाथों में चले जाएंगे? ऐसा ही म्यांमार के साथ है। एक तरफ चीन जो हिंदुस्तान के साथ दुश्मन सरीखा देश है, वो म्यांमार के साथ है, म्यांमार के साथ अच्छे रिश्ते चल रहे हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका बहुत ही खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, चीन वहाँ भी पहुँच गया है, चीन बांग्लादेश भी पहुँच गया है, चीन पाकिस्तान के साथ तो है ही। अब आप एक चीज़ देखिए, जिनको बहुत मज़ा आता है चीन का विरोध करने में, पड़ोसी बुरी हालत में रहें, फटे हाल रहें, उसमें जिनको मज़ा आता है उनको ये बात समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, हिंदुस्तान के इर्द गिर्द चीनी मोतियों की एक माला सी बन रही है। हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए कितना बड़ा खतरा है, एक एक देश में कहीं बंदरगाह, कहीं जमीनी सरहद, कहीं परमाणु हथियार, कहीं कुछ और, सबकी मौजूदगी हिंदुस्तान को चारों तरफ से कैसे घेर रही है। इसलिए भी हिंदुस्तान को बांग्लादेश की इस ताज़ा बेचैनी को अधिक गौर से देखना चाहिए। अभी भारत सरकार ने जाहिर तौर पर यह किया है, हिंदुस्तान के लोगों को वापस आने कह दिया है, वहाँ लोगों को जाने से मना कर दिया है। बांग्लादेश से लगी हुई जो सरहद है उसके इस तरफ पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के लिए वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यहाँ पर जो आएंगे बांग्लादेश से शरणार्थी, हम उनको जगह देंगे, उनकी मदद करेंगे। गलत नहीं कहा है, हिंदुस्तान का लंबा इतिहास रहा है शरणार्थियों का साथ देने का। हिंदुस्तान ने 71 के युद्ध के पहले भी तिब्बत से आने वाले दलाई लामा को शरण दी थी, म्यांमार से आने वाले लोगों को शरण दी थी, उस समय बर्मा कहलाता था। बांग्लादेशी लोगों को शरण तो मैंने देखी हुई है, मेरे शहर में कैंप बसा था बांग्लादेशी शरणार्थियों का, मेरे होम्योपैथ पिता उनका मुफ्त इलाज करने के लिए जाते थे, कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ी थी उनके इलाज के लिए जाने को। तो खैर, आज बांग्लादेश की हालत इतनी अधिक खराब हो गई है जिसकी हद नहीं। बांग्लादेश अपने अस्तित्व के 71 से उसका अस्तित्व बना है, अस्तित्व का आज तक का सबसे बुरा संकट देख रहा है बांग्लादेश।
मुद्दा क्या है? आरक्षण का। मैं उसको हिंदुस्तान के आरक्षण के तनाव से जोड़कर देखना नहीं चाहता। हिंदुस्तान में आरक्षण का कोई भी मुद्दा इस हद तक हिंसक नहीं है। किसी किसी प्रदेश में थोड़ा सा हिंसक हो रहा है, जैसे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का आंदोलन हिंसक हुआ था। कहीं कहीं पे और होता है, कहीं पाटीदार आंदोलन हिंसक होता है, कहीं कुछ और होता है, ऐसा थोड़ा थोड़ा चलता है, लेकिन बांग्लादेश से इसकी तुलना करना ठीक नहीं है। लेकिन अलग अलग देश जो कल तक अच्छे चल रहे थे, बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय हिंदुस्तान से ज़्यादा थी, 2-3 महीने के भीतर हालात इतने बेकाबू हो गए। शेख हसीना के हाथ से रस्सी सरकते चले जा रही है। अब पूरे आंदोलन का कुल एक मांग रह गई है, प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा दे, और कुछ नहीं रहेगी। अभी आप सोचिए, कुछ महीने पहले तक वो वहाँ की ताकतवर प्रधानमंत्री थी। जब रस्सी हाथ से सरकना चालू हुई उस वक्त वो संभाल सकती थी। उस वक्त उन्होंने थोड़ी सी बज्जुबानी की, रजाकार कह दिया लोगों को। एक शब्द कैसा भारी पड़ता है, दुनिया के बहुत से लोगों को इस बारे में देखना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए। ये भी मानकर चलना चाहिए कि जो हालात आपके यहाँ बने हुए हैं उसको लेकर तसल्ली से किसी को नहीं बैठना चाहिए, सरकारों को चौकन्ना रहना चाहिए। मैं बतलाता हूँ आपको, कुछ एक और मिसाल बतलाता हूँ आपको। ध्यान है, मध्य पूर्व के देशों में एक वहाँ पर आंदोलन चालू हुआ था कुछ साल पहले। उस आंदोलन ने सीरिया जैसे देशों को, इजिप्ट को हिला कर रख दिया था वहाँ पर। अभी ताज़ा आंदोलन वहाँ पर ईरान में महिलाओं का हुआ, जिसने ईरान को हिला कर रख दिया। मर्दों की ऐसी कट्टर सरकार वहाँ पे थी, कोई कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसा होगा, लेकिन हिला कर रख दिया। आप ब्रिटेन का देखिए, अगर आप खबरें देखते हैं तो वहाँ पर एक मुस्लिम लड़के ने 2-3 बच्चियों को चाकू मारकर मार डाला। उसके खिलाफ वहाँ पर एक बड़ा उग्र आंदोलन चालू हो गया है, जो शरणार्थी दूसरे देशों से आकर सरकारी खर्च पर बसे हुए हैं, उनमें अधिकतर मुस्लिम हैं। उनको भगाने के लिए वहाँ का, ब्रिटेन के भीतर का जो एक संकीर्णतावादी समुदाय है, अनुदारवादी लोग हैं, वो लोग सड़कों पर आ गए हैं। मुस्लिमों की बहुत सारी दुकानों को, रेस्तरां को, सबको आग लगा दी गई है। खराब नौबत हो गई है। नया नया वहाँ पर चुनाव हुआ है अभी, और नई सरकार बनकर आई है। प्रधानमंत्री अभी कुछ हफ्ते पहले ही शपथ ली है उन्होंने। और 13 बरस में ये ब्रिटेन की सबसे बड़ी हिंसा है, ठीक वैसे ही जैसे 53 साल में बांग्लादेश की ये सबसे बड़ी हिंसा है। हर देश प्रदेश को सावधान रहना चाहिए। लोकतंत्र जो है महज मुनादियों का काम नहीं है कि आप भाषण देते चले जाएं, मुनादी करते चले जाएं, ऐसा नहीं है। हालात जब बेकाबू होते हैं तो बड़ी तेज़ी से बेकाबू होते हैं। बांग्लादेश के हालात को देखकर पूरी दुनिया के देशों को सबक लेना चाहिए। बहुत ख़राब नौबत है बांग्लादेश की, मुझको तकलीफ़ हो रही है। मैंने बांग्लादेश के बहुत सारे लोगों को यहाँ 71 में देखा है, उसमें से अधिकतर लोग यहाँ बस गए हैं, यहाँ का हिस्सा हैं। बस्तर में कुछ जगहों पर वो चुनाव भी लड़ते हैं, जीत कर भी आते हैं, भारतीय नागरिकता भी मिल गई है उनको। खराब नौबत है ये। छात्र आंदोलन किस तरह से जन आंदोलन बनता है, मैं आपको बतलाता हूँ। ईरान में महिला आंदोलन से शुरुआत हुई थी हिजाब के खिलाफ। वो महिला आंदोलन किस तरह से तमाम ईरानी जनता का आंदोलन बन गया, देखने लायक था। सब शामिल हो गए थे, मर्द, लड़के, परिवार, सब शामिल हो गए थे उसमें, हिला दिया सरकार को। अब वहाँ पे नैतिकता पुलिस जो है, मॉरल पुलिस, वो उस तरह से महिलाओं के ऊपर, हिजाब ठीक से ना पहना है तो उसके पैरों पे छड़ी मारे, उनको गिरफ्तार करे, हिरासत में मार डाले, नहीं कर सकेगी। देशों में चेतना जब फैलती है, जागती है, तो बहुत दूर तक जाती है, वो काबू में नहीं रहती चीज़ें। तमाम देशों को इससे सबक लेना चाहिए, चाहे वो आरक्षण के नाम पर हो, चाहे जाति के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे नैतिकता के पैमानों को लेकर।
जुल्म इतना नहीं करना चाहिए कि उसके खिलाफ बगावत हो। बगावत हमेशा काबू में नहीं आ पाती है, क्रांति हमेशा काबू में नहीं आ पाती है, चीज एक ही रहती है। सरकार उसको बगावत कहती है, लोग उसको क्रांति कहते हैं। हमने देखा हुआ है हिंदुस्तान में भी, जब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हो रही थी तो उसको बगावत कहते थे अंग्रेज, उसको भगत सिंह से लेके गांधी तक क्रांति कहते थे उसको। बांग्लादेश की खबरों पे थोड़ा नज़र रखिए, पड़ोसी हैं हमारे, हमारे हमारा हिस्सा थे 1947 के पहले, हिंदुस्तान से उनका काफ़ी लेना देना है, हिंदुस्तान की खुद की अपनी हिफाजत के लिए उस पड़ोसी का ध्यान रखना है। हमदर्दी रखिए, नज़र रखिए, सबक लीजिए, इतना ही मैं कह सकता हूँ। फिर मिलेंगे, आपको ये मेरा विडिटोरियल अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, टिप्पणी भी लिखिएगा। जटिल है मामला, लेकिन टिप्पणी ज़रूर लिखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, दोस्तों को भी भेजिएगा। हमको सबको इतना जागरूक तो रहना चाहिए कि अपने पड़ोसी के मामलों पे हम नज़र रखें, ध्यान रखें उसके ऊपर। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कैंसर को भी ऐसे लोगों को खाने का बड़ा शौक है जो तंबाकू खाते पीते हैं। छोड़ता नहीं है कैंसर इनमें से किसी को। छत्तीसगढ़ में जितने कुल कैंसर मरीज हैं उसके 24% मुंह के कैंसर के मरीज हैं, जो केवल तंबाकू से होता है, समझ लीजिए 24% हैं। तंबाकू से होने वाले गले की नली फेफड़े के मरीज और अलग हैं। अपने परिवार को इतनी बड़ी तकलीफ मत दीजिए, कैंसर का एक मरीज पूरे परिवार को भी तबाह कर देता है। बच के रहिए, छोड़ दीजिए तंबाकू को, वरना कैंसर नहीं छोड़ेगा आपको। फिर मिलेंगे।